इन तस्वीरों को देख करके हैरान मत होइए, ये अपने भारत के ही लोग हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के दनोखर चौराहा की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब जब अपने देश के 20 जवान शहीद होंगे तो गुस्सा तो देखने को मिलेगा ही ना। फिलहाल ये किस संगठन से, इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने हमसे बातचीत कर अपने संगठन का नाम भी बताया है और पूरे मामले की जानकारी भी दी है। चीनी सेना के विरुद्ध है जो हमारे लद्दाख सीमा में घुसने का प्रयास कर रही लगातार, उसी के विरुद्ध ये कार्यक्रम किया जा रहा है। किस संगठन से हैं आप? ये हिंदू जागरण मंच का कार्यक्रम है। किस पद पे हैं आप? जी मैं हिंदू जागरण मंच में युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष हूँ। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों की बात सुनकर के आप पूरा मांझा समझ गए होंगे कि आज किस वजह से चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। और पुतला फूंका भी क्यों न जाए, क्योंकि अपने देश के 20 जवान शहीद हुए। फिलहाल हमने इनके महामंत्री से बातचीत की, उन्होंने हमसे बातचीत कर मामले की पूरी जानकारी दी। आज आप लोगों ने किस प्रोग्राम का आयोजन किया है? ये जो चीनी सेना द्वारा गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिकों की कायरतापूर्ण तरीके से डंडों से और पत्थरों से मार करके हत्या की गई। जी जी। यद्यपि हमारे लोगों ने भी मरते मरते 43 चीनी सैनिकों को मार दिया, जिसमें से 35 की पुष्टि अमेरिका के भी द्वारा की जा रही है। चीन के विषय में हम सब जानते हैं, धोखेबाज मुल्क है। जब ऐसे समय हमारे उनके बीच में समझौता हो रहा था कि हमारी सेनाएं भी पीछे आ रही हैं, आपकी भी हो रही हैं, ऐसे समय ये धोखेबाजी वाला कृत्य किया गया है, जिसके कारण पूरे देश में एक आक्रोश व्यक्त है। इसी क्रम में हमने चीन के राष्ट्रपति और ध्वज का दहन करके अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और हम सभी की ये भी मांग रहे हैं कि सरकार से भी और जनता से भी अधिक से अधिक चीनी सामानों का बहिष्कार करें, चीन की चीजें इस देश में चलने नहीं दी जाएंगी, ऐसा हम लोगों का आंदोलन करने का एक पूरा बृहद रूप बन चुका है। यही संकल्प लिया आप सभी लोगों ने? जी यही संकल्प लिया आप सभी लोगों ने? किस संगठन से हैं? आपकी संगठन का कुछ नाम क्या है? क्या ना किस पद पे? प्रदेश महामंत्री। आपका नाम क्या है? मनीष श्रीवास्तव। धन्यवाद।